वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन कवियों को प्रणाम करती हूँ। थोड़ी देर आपके बीच काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचे। कुछ खामोशी शुरू से देख रही हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय जगदीश की, एक ऊर्जा आप सामने फैलाई। कुछ मैं भी ऐसा ही कर सकूं। जो लोग पीछे बैठे हैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। पंक्तियों, चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। एक बार मुझे इस बात का एहसास करा दें कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आदरणीय हरिओम जी को आपको सुनना है। मैं केवल विज्ञापन हूँ, थोड़ी देर के लिए आपके बीच हूँ। नहीं, मुझे तो बताया भी गया कि अनामिका तुम्हें केवल 10 मिनट इसलिए पढ़ना है ताकि समय की एक सीमा है। मैं कोशिश करूंगी कि कम समय में। कोई बात नहीं जी, धन्यवाद। बहुत समय है, कोई बात नहीं। सत्यनारायण बंसल जी, अच्छा जी, धन्यवाद। बैठ जाए जी आप। चिंता नहीं है, हम तो डर रहे थे कि समय कम है। अब सत्यनारायण बंसल जी ने कह दिया कि रात भर पढ़ सकते हैं हम। नहीं नहीं, इतना भी नहीं, लोग डर जाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। चिंता की बात नहीं है, सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात है, वाह वाह। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। इसका ही को वैसे ही करो जैसा था। ज्यादा नहीं बढ़ाओ भैया। मैं काव्य पाठ ही कर रही हूँ और गाती भी रहूंगी। इसको वैसे ही कर दीजिए जैसा था, वैसे ही कर दो। अब आप अपने दोनों हाथ खोल लीजिए, पीछे टिक जाइए आराम से, और बीच में ताली बजाते रहें जहां बात अच्छी लगे। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। चौथी पंक्ति यदि आप तक पहुंच जाए और आपका मन करे कि बात अच्छी हो गई है, तो आप मेरे आप मुझ तक वो तालियां वो सांस पहुंचा दें जिससे मेरे में ये हिम्मत आए कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। और एक अनुरोध और करती हूं अग्रिम पंक्ति से और भी सभी महानुभावों से पीछे से भी, कि बात बुरी लगे तो ये मत कहना कि बैठ जाओ। मैं समझ जाऊंगी आपको देख। सुनिएगा, ये तो रसिक जी से प्रेम इनका ज्यादा है इसलिए। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत आभार, बहुत शानदार, क्या बात। आप शायरी भी सुन रहे हैं, बहुत आभार आपका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस सम्मान को लेकर के बैठे हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी सी बातें हमें विचलित करती हैं। मैं इस पावन मंच पर हूँ, अग्रसेन जयंती पर उपस्थित हूँ, तो चार पंक्तियाँ आपके और मेरे मन की करती हूँ। उसके बाद मैं सीधे सीधे जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनाती हूँ। एक बार ये सोचिए, हम बहुत छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन एक बार सोचिए हमारी पाँचों इंद्री सही सलामत है। हमें आज जो विद्या बुद्धि मिली, हम यहाँ बैठ कर इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में आइए उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हम सब मिलकर के। सुनिएगा, भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। क्या बात है, वाह वाह। थोड़ा और अभिभूत कीजिए आपकी तालियों को, मैं आप तक पहुंचती हूँ। मैं जब पहुंच जाऊं उसके बाद सुने। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा,
सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। अब तैयार हो, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी, बहुत आभार, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत आभार आपका। जगबीर जी ने जहां अपना काव्य पाठ खत्म किया उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पिछले दिनों 29 सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन कुछ लोगों ने उसके सबूत मांगे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब वो भाषण कर रहे थे तो अपने भाषण को करते ही करते हंसने लग गए, मैं देख रही थी। जिन्होंने सबूत मांगे आप सबको पता है, आदरणीय केजरीवाल जी, वो पिछले दिनों उड़ते उड़ते जब आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। अच्छा, उनसे एक और बात याद आती है। आदरणीय, बहुत आभार आपका, आपने इतना स्वागत किया। अब आप जिस मुद्रा में बैठे हैं ऐसे लग रहा है जैसे आप जल्लेला ही हो और हम सब अनार कलियां बारी बारी से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। अच्छे शानदार सुन रहे हैं आप। अच्छा, मुझे याद आया उनसे कि पिछले दिनों मोदी जी ने एक काम किया, उन्होंने रेणुका जी की हंसी को देख करके कहा कि इतने दिनों बाद मुझे रामायण की याद आ गई, तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की, उन्हें माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले मूर्ख मत बनाओ मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। अच्छे इस प्रकार की घटनाएं घट जाती। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ा और अभिभूत हूं हो तो मैं कुछ अच्छा सा सुना देती हूँ। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे गए, किस प्रकार से उस बात को मैंने कहा एक पैरोडी के मुखड़े से आप तक पहुंचाती हूँ, एक बार खुल जाए और मेरा साथ दे दे, मैं आप तक पहुंचती हूँ। सुने, किससे ना तेरा करम तोड़ कर सब भरम। क्या बात है। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। आपकी ताल मिलती रहे कि घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। जिसने पंगा किया जिसने दंगा किया, जिसने पंगा किया जिसने दंगा किया, वीडियो मोह पर दे मारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, मफलरी शूरवीर। आदरणीय समझ गए होंगे कि मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर। पिछले दिनों जब एलजी हाउस पर धरना धरा तो उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें वही दिया गया जिसके वो अधिकारी थे, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी। तो जब उन्हें अधिकार मिला तो क्या बोले कि रायता फेंटूंगा, धरने पे बैठूंगा, रायता फेंटूंगा, धरने पे बैठूंगा, गले में मफलर ले खांसूंगा ऐठूंगा, मिल गए सब अधिकार कहो यस बॉस मुझे सब, सनकीला है ये बुखार कहो यस बॉस। अब मैं तो भटक ही गई, मैं वहीं पहुंचती हूँ कि मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर। तालियां तैयार रहे, माहौल दे दे कि मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, हा
हाल देखा तुम्हारा मजा आ गया, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। इसी बीच दो लोग जोड़े से निकले, मैं उनको आभार, बहुत आभार। हाँ बाबूजी हैं, वो तो मैं समझ गई, मैं तो कोर्ट का बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। सुने आप तक पहुँचती हूँ। अच्छा बाबूजी से मुझे याद आया, देश में बाबाओं की भी कुछ ऐसी ही स्थिति। यदि आपका मन हो तो एक और हास्य गीत मैं पहुँचाती हूँ। आप बस मैं मुझे तालियों का ताल दीजिए और मंच से बहुत मन चाहती हूँ आप लोग भी मेरा साथ दें। जी हाँ मैं समझ गई गजेंद्र जी। अच्छा रसिक जी मेरे लिए भी कुछ कुछ कह रहे थे अभी बीच में, जब वो उनको लगा कि मामला ऐसे ही हो रहा है तो उन्होंने कहा अनामिका का नाम ले दो, एक दो ताली आ जाए। अरे रसिक जी को चार पंक्तियाँ सुना, ये बढ़िया है। आप इन्हें देखिए और मेरी पंक्तियाँ सुनिए, फिर मैं बाबा जी सुनाती हूँ। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, क्या बात है। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, कि जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या अनुभव की बात है। वाह वाह वाह। नहीं मैंने सोचा उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं उनका नाम आपसे ही सीख रही हूँ गजेंद्र जी। सुने स्वागत। अच्छा गजेंद्र जी की इतनी बीच बीच में इतनी बढ़िया टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरा मन करता है उन्हें डेरा प्रमुख घोषित कर दूं और अब अपना गीत प्रारंभ कर दूं। अब मैं ये भी सुने नहीं, आप कुछ मत कह सकते हैं। सुने कि बाबाओं का है, अब तालियों का साज दे, मैं आप तक पहुंचती। मैं ये भी नहीं कह सकता हनीप्रीत ना, बिल्कुल नहीं। सुने देखिए मेरे पास इस बात का भी उत्तर है पर मैं गीत सुना देती हूँ, वरना मैं चाहती हूँ कि आपने यदि सार्वजनिक रूप से एक संबंध की घोषणा की है तो मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हुए आप तक पहुंचाऊं। यदि आपका मन हो तो मैं चार पंक्तियां समर्पित कर दूं। सुने कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। आइए सर पधारें, वो कह रहे आ गए जी आ गए। सुने कि वादा है हर, अच्छा ये वही है क्या, आज कवियों ने कहा नहीं कि लिफाफे वहीं दबे। अच्छा सुने कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्ते को आजमाना वफादार मिलूंगी, रिश्ते को आजमाना वफादार मिलूंगी, तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। ये कुछ और समझ रहे थे इसलिए तालियां कम बजाइए। कोई बात नहीं, अब वो ताली खूब बजाएंगे, मैं आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। दिल तोड़ दिया नामिका तुमने, एक बार ताली बजाइएगा यार। सुने कि बाबाओं का है, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, क्या बात है। बस यही कीर्तन मेरे साथ करना है और आपको ये पूछना है कि फिर क्या हुआ। सुने कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ